2024 के इस लोकसभा चुनाव में झारखंड एक नई इबादत लिखने जा रहा है। झारखंड की राजनीति में इस समय महिला उम्मीदवार और महिला मतदाता दोनों की अहम भूमिका होने जा रही है। यहां चुनावी जंग में महिला नेताओं का बड़ा इम्तिहान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पहली बार 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उसके विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी 1 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा 2 अन्य सीटों पर भी महिला नेताओं की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की ओर से कौन वह 3 महिला है जिस पर इंडिया गठबंधन भरोसा जता रही है। इससे पहले हमने एनडीए गठबंधन की 3 महिला प्रत्याशियों के बारे में विश्लेषण कर आपको बतलाया था, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस प्रकार इंडिया गठबंधन में पलामू और चतरा इन 2 सीटों को लेकर खींचातनी चल रही थी, इसी बीच आरजेडी ने पलामू सीट से ममता भुइयां को अपना सिंबल देकर इंडिया महागठबंधन को चौंका दिया है। इंडिया महागठबंधन में सीटों के बंटवारे अभी तक तय नहीं हुई है, फिर भी लालू प्रसाद यादव पलामू सीट के लिए अपना दावा ठोक दिए हैं और ममता भुइयां को आरजेडी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आरजेडी ने पहली बार पलामू सीट से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारने की घोषणा की है। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आपको साथ में यह बताते चलें कि ममता भुइयां पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के छोटे भाई बलदेव भुइयां की पत्नी है। ममता भुइयां मूल रूप से पलामू के सिंगरा के रहने वाली है। उन्होंने करीब 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण की थी और करीब 1 महीना पहले ममता ने आरजेडी ज्वाइन किया था। इस दौरान ममता भुइयां ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीसा भारती से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद से ही ममता भुइयां पलामू के इलाके में सक्रिय रही है। पलामू में उनका सामना बीड़ी राम से होना है। बीड़ी राम 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल किया है। इसके बाद बारी आती है संथाल परगना की। संथाल परगना में 3 लोकसभा सीटों में गोड्डा लोकसभा सीट बेहद खास है। यह सीट अनारक्षित है। यहाँ भाजपा की टिकट पर निशिकांत दुबे ने जीत की हैट्रिक लगाई है, लेकिन इस बार जो वोटर का समीकरण और सियासी हलकनामों में जो बातें तैर रही है, इसमें इंडिया महागठबंधन कमजोर नहीं दिख रहा है, बल्कि भाजपा के निशिकांत दुबे को कड़ी टक्कर देने की फिराक में है। कांग्रेस के जिस प्रत्याशी के अखाड़े में उतारने की चर्चा है, उससे जाति समीकरण, गुना भाग और उसके पक्ष में बहने वाली हवा इस मुकाबले को दिलचस्प बनाएगा। पिछली 3 चुनावों में जिस तरह निशिकांत के वोटों का प्रतिशत जीत के साथ बढ़ा है, ऐसे में इस बार भी उनके सामने लगातार 4थी बार जीत का झंडा गाड़ने की चुनौती होगी। लेकिन ऐसे में इस बार गुड्डा की जंग काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां से इस बार एक महिला प्रत्याशी निशिकांत को टक्कर देगी। गुड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, पोरेयहाट, महागामा और गुड्डा विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। गुड्डा सीट बिहार से सटा हुआ है और इसके एक तरफ भागलपुर है तो दूसरी तरफ बांका। गुड्डा लोकसभा क्षेत्र में ही देवघर और बाबा धाम मंदिर आता है, ऐसे में यह सीट बेहद खास हो जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार गुड्डा संसदीय क्षेत्र में एससी की आबादी करीबन 11.1% है, एसटी मतदाताओं की संख्या 12.9% है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की आबादी की बात करें तो इसकी संख्या 21.1% है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या शहरी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण मतदाताओं की संख्या करीबन 86.8% है, जबकि शहरी वोटरों की संख्या 13.2% है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में करीब 69.3% वोटरों ने मतदान का प्रयोग किया था, जिसमें ग्रामीण इलाकों के भागीदारी सबसे ज्यादा रही थी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, पोरेयहाट, महागामा और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी विधायक है। मधुपुर से हफीजुल हसन, जरमुंडी से बादल, पोरेयहाट से प्रदीप यादव और महागामा से दीपिका पांडे हैं। वहीं भाजपा की बात करें तो देवघर से नारायण दास और गोड्डा से अमित मंडल विधायक चुने गए हैं। 6 विधानसभा में 3 कांग्रेस, 1 झामुमो और 2 बीजेपी के विधायक हैं।
ऐसे में कहा जा सकता है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पकड़ कांग्रेस की है, इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। हालांकि गोड्डा से निशिकांत दुबे लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, जनता के बीच लोकप्रिय भी है, लेकिन बीते कुछ सालों से वहाँ की जनता सांसद के अकड़ू और बड़बोलेपन से उनसे दूरी बना सकती है, जिसका सीधा फायदा दीपिका को मिल सकता है। दीपिका पांडे महागामा से विधायक है, लेकिन अपने कर्मों और जुझारू व्यक्तित्व के बल पर गुड्डा के अन्य क्षेत्रों में भी काफी लोकप्रिय बनी हुई है। महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सी अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे गुड्डा लोकसभा क्षेत्र में काफी मशहूर है। वह हमेशा अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे गुड्डा लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाती रही है, जनता की आवाज बनकर सरकार से कभी कभी दो दो हाथ भी कर लेती है। ऐसे में दीपिका काफी लोकप्रिय विधायक बन गई है। इसी को लेकर कांग्रेस दीपिका के नाम पर मुहर लगाना चाह रही है और यह लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में पूरे यहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का भी समर्थन चाहे अनचाहे में उनके साथ ही होगा। यहाँ यादव वोटर की संख्या करीबन 7% है। दीपिका खुद तो ब्राह्मण जाति से आती है, लेकिन उनकी शादी कुर्मी घराने में हुई है। हालांकि निश्चित रूप से अपनी शादी के वक्त दीपिका सिंह जाति के इस एंगल पर विचार नहीं किया होगा, उनकी यह मंशा भी नहीं होगी, लेकिन उनका वही पुराना फैसला आज उनकी बड़ी सियासी पूंजी बनती नजर आ रही है, क्योंकि इन तमाम नाम में सिर्फ दीपिका ही ऐसी चेहरा है जो बेहद आसानी के साथ स्वर्ण मतदाताओं के साथ साथ पिछड़ी और दलित जातियों को भी अपने पाले में कर सकती है। एक साथ पिछड़ी जातियों के साथ ही करीबन 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधा जा सकता है। और खास बात यह है कि निशिकांत के विपरीत गुड्डा में दीपिका की पहचान एक सौम्य और सरल भाषी राजनेता की है, जो बगैर किसी सियासी विवाद का शिकार हुए लगातार लोगों के साथ अपना संवाद बनाए रखती है। यहाँ आपको यह भी याद दिला दे कि दीपिका की सियासी जीवन की शुरुआत यूथ कांग्रेस से हुई थी, लेकिन इन तमाम बातों से अलग एक और बात है जो दीपिका के पक्ष में जाती है, वह उनका खांडी झारखंडी होना, जबकि इसके विपरीत निशिकांत पर बाहरी होने का आरोप लगता रहा है। दीपिका को एक और उपलब्धि मिल सकती है कि अन्य विधायकों की मदद से एससी एसटी और मुस्लिम वोटरों का साथ, और इसका सीधा लाभ दीपिका को मिलने की संभावना है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे पर इस बार इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी भारी पड़ सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इस पर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। मैदान में दीपिका के आने से निशिकांत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि वे जनता के बीच हमेशा रहकर काम करती रही है, क्षेत्र में उनके मजबूत पकड़ है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह महागामा सहित पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में काफी मशहूर है। वे मुखर होकर जनता की आवाज को सदन में उठाती है, उनके द्वारा किए गए कामों से जनता भी काफी खुश है। वहीं निशिकांत दुबे गुड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता से इस बार ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में गुड्डा लोकसभा सीट में काफी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। झारखंड बनने के बाद पहला लोकसभा चुनाव 2004 में कांग्रेस की जीत हुई थी, उसमें कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। हालांकि लगातार 3 बार भाजपा यहां जीती थी, लेकिन झारखंड बंटवारे के बाद यह सीट भाजपा के हाथ से निकल गई। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा सीट पर जीत हासिल की। इसके साथ गोड्डा एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से भाजपा के खाते में चला गया। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि 2014 में सभी लोकसभा सीटों पर मोदी के लहर का असर था और 2019 के लोकसभा चुनाव में गोड्डा लोकसभा सीट पर भाजपा के कब्जे में रही। यहां से 2009-2014 के सांसद रहे निशिकांत दुबे ने तीसरी बार जीत दर्ज की। इस बार भी डॉक्टर निशिकांत दुबे को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब देखने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा के समर में डॉक्टर निशिकांत दुबे फिर से जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एनडीए ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड में ना तो कांग्रेस ने पूरी तरह से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और ना ही जेएमएम ने। जेएमएम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की घोषणा के बाद ही जेएमएम अपने प्रत्याशियों के नामों के पत्ते
खोलेगा। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को संदेश भिजवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए, किसी बाहरी को टिकट ना दे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि जमशेदपुर में भाजपा से एक नेता को लाकर टिकट देने की चर्चाएं चल रही थी, जिसका जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया। जब यह बात हेमंत सोरेन तक पहुंची, तब उन्होंने साफ तौर पर संदेश भिजवा दिया कि किसी दूसरे दल से आए नेता को टिकट ना दे, बल्कि पार्टी के लिए समर्पित नेता को ही टिकट दे, वे ही टिकट के असली हकदार हैं। तो इस कड़ी में जमशेदपुर से इस बार जेएमएम की टिकट पाने में एक नाम जो सबसे आगे चल रहा है, वह ईचागढ़ झामुमो विधायक सविता महतो की पुत्री स्नेहा महतो की। स्नेहा महतो दिग्गज नेता और 2006 से 2008 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे दिवंगत सुधीर महतो की बेटी है। मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में वह अपनी मां के साथ अक्सर देखी जा रही है। तो इस बार लगभग तय माना जा रहा है कि इंडिया महागठबंधन की ओर से 3 महिलाएं लोकसभा चुनाव के मैदान में होगी और एनडीए की ओर से भी 3 महिलाएं मैदान में उतर चुकी है। अब देखना होगा कि इन दोनों महागठबंधन के महिलाओं में से किस महागठबंधन की महिला चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार। स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया स्टोर।